अनएबल टू लॉग इन। अगर आपको भी फेसबुक में लॉग इन करते वक्त कुछ इस तरीके का एरर फेस करना पड़ रहा है और आप अपने फेसबुक अकाउंट में लॉग इन नहीं कर पा रहे हो जबकि उसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड आप करेक्ट टाइप कर रहे हो, उसके बाद भी आपके अकाउंट पर कुछ इस तरीके का एरर आ जाता है जैसे आप लॉग इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो। तो जैसा कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हो इस अकाउंट में हम लोग लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। ये मेरा लॉगिन अकाउंट नहीं है, ये मेरे एक सब्सक्राइबर का है, उन्होंने मेरे साथ ये शेयर किया था यूजर आईडी पासवर्ड। तो इसके बाद मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि मेरे में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। अब इस तरीके के प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले जो काम करना होता है वो है भाई आपको अपना फेसबुक अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपका फेसबुक अप टू डेट नहीं होता है और उसकी वजह से भी आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन नहीं होता है। लेकिन अपडेट करने से पहले आपको ऐप इन्फो में जाकर उसका जो कैसे है वो पहले क्लियर कर देना है। क्लियर करने के बाद आपको जाना है प्ले स्टोर में, ऐप स्टोर में, कहीं भी जा सकते हो, जैसा भी जो भी मोबाइल आप यूज़ करते हो उसके हिसाब से अपने स्टोर में जाना और वहां से अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना जैसा कि यहां पर देख सकते हो। अपडेट करने के बाद आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जो अप्रूवल के लिए आएगा, लॉगिन अप्रूवल के लिए आएगा। तो यहाँ पर आप भी देखो फर्स्ट ऑप्शन जो मिलता है ना वो है अप्रूव्ड योर लॉग इन ऑन अनदर फोन और कंप्यूटर। तो मतलब अगर कहीं और पर आपने लॉग इन करके पहले से रखा है तो वहां से आप इसे अप्रूव कर सकते हो। और दूसरा ऑप्शन है गेट ए कोड सेंड टू योर मोबाइल नंबर और तीसरा है गेट ए कोड सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। तो इनमें से जिसका भी एक्सेस आपके पास हो उस पर आप कोड मंगाकर अपने फेसबुक अकाउंट को वेरीफाई कराकर अपने उस फेसबुक अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो। तो मैं पहले इनसे पूछ लेता हूँ कि इनमें से किसका एक्सेस इनके पास है और कैसे वो वेरीफाई करना चाहेंगे, चाहे वो मोबाइल नंबर से वेरीफाई करना चाहे या फिर ईमेल एड्रेस से। तो पहले मुझे इनसे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा इंस्टाग्राम पर, तभी मैं आगे का प्रोसेस कर सकता हूँ। लेकिन आपको अपने हिसाब से यहाँ पर आगे का प्रोसेस करना है। तो इन्होंने मुझे बताया है कि इनके पास मोबाइल नंबर का एक्सेस है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद इनका मोबाइल नंबर यहाँ पे शो कर रहा है तो हमें यहाँ पे इसे सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर एक OTP दिया जाएगा, तो ये OTP अगर वो मेरे को शेयर करते हैं तो फिर मैं यहाँ पर OTP टाइप करके लॉगिन कर लूँगा। लेकिन अभी तक उन्होंने मेरे साथ OTP शेयर नहीं किया है, जैसा कि यहाँ पर अभी आप देख सकते हो उस मोबाइल नंबर पर यहाँ पर ये OTP जा चुका है। तो ये OTP जैसे ही मेरे पास आता है वो मेरे साथ शेयर करते हैं, उसके बाद मैं कंटिन्यू करके लॉगिन कर लूँगा। तो आई होप कि आप समझ में गए होंगे कि कैसे आप लॉगिन कर सकते हो। ये ट्रिक आप यूज़ करो, ये 100% वर्किंग ट्रिक है और इन्होंने मेरे साथ OTP शेयर नहीं किया तो मैं लॉगिन नहीं कर सकता। वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।